क्या आप कर्ज मुक्त जिंदगी जी सकते हो? यस इट इज पॉसिबल, बट कैसे? लेट्स वॉच द वीडियो। सो गाइस, क्या आप एक कर्ज मुक्त, लोन फ्री, डेट फ्री लाइफ जीना चाहते हो, बट पता नहीं उसको कैसे जिए? तो गाइस, मैं हिमांशु माहिने, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपके लिए लेके आया हूँ फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाउ टू बी डेट फ्री, कर्ज मुक्त, लोन फ्री। तो वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, योर फर्स्ट स्टेप इज एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। इमेजिन करो, आप एक दिन सुबह सो के उठे हो और आपने मोबाइल देखा एंड आपके नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड ने एक आईफोन लिया है। आपका भी मूड बन गया, आप तुरंत तैयार होकर मॉल चले गए, आपने एक आईफोन ले लिया। आईफोन इधर आप ईएमआई पे लोगे या खुद के सेविंग से लोगे या तो किसी से बोरो करके लोगे। आपको सिंपली ये करना है, जो आपका थॉट प्रोसेस हुआ है एंड जो आप एक्चुअल डिसीजन ले रहे हो बाय करने का, ये दोनों चीज के बीच में जो टाइम है इसको बढ़ा देना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी जाके ले लूं, उस चीज को थोड़ा सोचो। अगर आप उसको एक या दो दिन दोगे तो चांसेस है कि आप वो डिसीजन चेंज कर दोगे या डिले कर दोगे एंड आप डेट फ्री रह सकोगे। बिकॉज आप साइकोलॉजिकली ये सोचोगे कि हाँ, ये चीज मेरे लिए इतनी जरूरी है या नहीं, या फिर इस वक्त जरूरी है या नहीं। सो एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टूवर्ड्स रिमेनिंग डेट फ्री। तो गाइस, टिप नंबर टू इज पेइंग योर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम। गाइस, क्रेडिट कार्ड बैंकिंग रेवोल्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। इसको अगर आप सही ढंग से यूज करोगे तो आप अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो एंड अगर आपको उसने सही ढंग से यूज नहीं किया तो आप बहुत डेट इंकर कर सकते हो। आइडियली जिनको क्रेडिट कार्ड का लिमिट अच्छा खासा होता है वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने को देखते हैं, बट अगर आप उसका टाइमली पेमेंट्स करोगे तो आप डेट फ्री रह सकोगे। अगर आप टाइमली पेमेंट्स नहीं करते हो तो आइडियली दो चीज़ हो जाएगी, या तो आपको आने वाले पेमेंट्स में इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, या तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं थोड़ा अभी कर देता हूँ, थोड़ा बाद में करूँगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ और इमरजेंसी आ जाए जब आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़े, तो पिछला पेमेंट भी आपका बचा रहा और नेक्स्ट पेमेंट भी आपका ड्यू हो गया, तो आपके जो लाइबिलिटीज़ है ये काफ़ी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम टू टाइम पे कर दो तो आप डेट फ्री रह सकोगे। गाइस, टिप नंबर थ्री इज यूटिलाइजिंग योर सेविंग्स एंड बोनस। अब दिवाली बोनस, क्रिसमस बोनस, ईयर एंड बोनस, ये तो सबको मिलता है। आप जितना काम करोगे उतना आपको बोनस मिलता है, ये पॉलिसी ऑलमोस्ट हर कंपनी में होती है। तो अगर आप ये जो बोनस है या सेविंग्स है जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, इसको अगर आप यूटिलाइज करो आपके डेट रीपेमेंट्स के लिए, तो आप बहुत जल्दी अपना डेट पे कर पाओगे। अगर आपको कोई लोन है जो कि 5 से 10 साल तक एक्सटेंडेड है, बट अगर आप ये बोनसेस को यूटिलाइज करो या फिर जो थोड़े सेविंग्स है आपकी उसको आप जमा करके इसको पे करने को देखो, तो आप कम सालों में अपने डेट को कम कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे, खत्म कर पाओगे। इसीलिए अपने बोनस एंड सेविंग्स को यूटिलाइज कीजिए टू मेक योर डेट पेमेंट्स एंड बी डेट फ्री। सो गाइस, स्टेप नंबर फोर इज प्रिपेयरिंग योर वीकली बजट। अब कुछ लोग मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते जो कि करना चाहिए, बट अगर आप अपना बजट वीकली प्रिपेयर करो तो आप अपने डेट पेमेंट्स मोर एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे ही आपका हफ्ता स्टार्ट हो, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो, आपको लगता है कि मेरा ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए, तो बुक पेपर पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ और प्लान करो कि ये पूरे हफ्ते में आपके प्लान्स क्या है। आपका लंच का प्लान क्या है, आपके डिनर के प्लान क्या है, क्या आपका कुछ फैमिली फंक्शन है या कुछ आपके फ्रेंड्स मिलने वाले हैं या कुछ आपकी पिकनिक है या कुछ आउटिंग है, एंड वहाँ पे कितना खर्चा एग्जैक्टली होने वाला है, और ये हफ्ते के दौरान आपके पास कौन से डिस्काउंट ऑफर्स हैं। अब काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स या फिर फूड डिलीवरी ऐप्स आपको काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं। ऑल्सो ये नोटिस किया गया है कि काफ़ी सारे नेशनल हॉलीडेज पे आपको शॉपिंग पे फ्लैट 50% ऑफ भी रहता है। अगर आप ये छोटे डिस्काउंट्स को यूटिलाइज करो तो आप मंथ एंड में काफ़ी सेविंग्स कर पाओगे एंड ये सेविंग्स से आप डेट प्रीपेमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप यही मंथली चीज़ ईयरली फॉलो करो तो आप काफ़ी पैसा बचा लोगे एंड ये पूरा पैसा आप डेट पेमेंट्स में यूटिलाइज कर सकते हो और इस तरीके से आप डेट फ्री रह सकते हो। सो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज ऑटोमेटिंग योर डेट पेमेंट्स।
जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो तो एक फिक्स डेट पे आपकी ईएमआई कट हो जाती है, आप बैंक को जाके ये नहीं बोलते हो कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है मैं कल दे दूंगा। उसी तरीके से अगर आपने किसी से लोन लिया है तो एक फिक्स्ड ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट कर दो कि इस दिन पे इतना पैसा मुझे उसको वापस रीपे करना ही है, वो भले दोस्त हो या कोई भी हो। बिकॉज अगर आप वो रीपे नहीं करोगे ये सोचिए कि चलो मैं बाद में दे दूंगा, तो एट द एंड वो पेमेंट काफ़ी बढ़ता जाएगा, उसका इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी बढ़ता जाएगा। सो ट्राई टू ऑटोमेट योर पेमेंट्स बाय पुटिंग ऑटोमेटिकली डेट पेमेंट्स रिमाइंडर्स। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप ये टिप्स फॉलो करके डेट फ्री लोन फ्री कर्ज मुक्त लाइफ जी सकते हो। तो वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए हाउ टू बी डेट फ्री। एंड अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो योर डेट मैनेजमेंट टिप्स।